हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। तो कौन कौन सा वो फैक्टर है जिसके कारण क्रेन की कैपेसिटी पे असर पड़ सकता है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं वो कौन कौन सा फैक्टर है जिससे क्रेन की कैपेसिटी पे असर पड़ता है। तो सबसे पहला है पुअर मशीन कंडीशन एंड नो शेड्यूल मेंटेनेंस। तो पुअर मशीन कंडीशन तभी हो सकता है जब इसका शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। शेड्यूल मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? शेड्यूल मेंटेनेंस करने से क्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या फॉल्ट है उसका पता चल जाता है, इसलिए क्रेन का शेड्यूल मेंटेनेंस करना जरूरी है। अगर ये शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं किया जाता है तो इसके क्रेन की कैपेसिटी पे असर होगा, इसका एक्सीडेंट भी किसी वजह से हो सकता है, उस वजह से हो सकता है, तो एक रिस्क फैक्टर है। इसलिए इसका पुअर मशीन कंडीशन नहीं होना चाहिए, मींस इसका मेंटेनेंस टाइमली होना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि क्रेन की कैपेसिटी को डाउन करता है वो है वेरिएशन इन बूम एंगल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बूम एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो बूम एंगल में वेरिएशन का मतलब हुआ कि बूम का डाउन होना। बूम का डाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ एंगल में डिप्रेशन आ जाएगा और उसके कारण जैसे ही बूम डाउन होगा तो इसकी क्या होगी, रेडियस बढ़ जाएगी। तो क्रेन का बूम जैसे जैसे अप होता है वैसे वैसे उसका रेडियस कम होता है, और जैसे जैसे बूम को डाउन करेंगे वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा और जिसके कारण कैपेसिटी उसकी घट जाएगी। तो रेडियस बढ़ेगा तो क्रेन की कैपेसिटी घटेगा, और रेडियस घटेगा तो क्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना है। इसलिए अगर बूम के एंगल में वेरिएशन आता है तो भी क्रेन के कैपेसिटी पर असर पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरिएशन इन लोड रेडियस, इंक्रीज इन लोड रेडियस। तो अभी बताए कि क्रेन का अगर बूम डाउन होता है तो उस केस में लोड रेडियस बढ़ेगा, अगर लोड लिए हुए हैं बूम डाउन हुआ तो उसका लोड रेडियस बढ़ जाएगा, लोड रेडियस बढ़ने से क्रेन की कैपेसिटी घटेगा और इसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए किसी भी कारण यहाँ पे लोड रेडियस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए या लोड रेडियस में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी जब स्लोप वाला एरिया पे टायर माउंटेड क्रेन के थ्रू कुछ किया जाता है उसमें, तो छोटे मटेरियल को लोके भी डाउन होने में वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं टायर्स नॉट क्लियर ऑन द ग्राउंड। अगर टायर माउंटेड क्रेन है और अगर हम उसको आउटरिगर पे काम कर रहे हैं तो उस केस में उसका टायर अप होना चाहिए, नहीं तो आप जानते हैं कि टायर पे अगर लोड आए, टायर अगर जमीन में टच है तो टायर पे लोड आएगा तो टायर फिर उसी स्पीड से उसको अप करेगा, तो वहाँ पे क्रेन अस्टेबल अनस्टेबल होने का डर है जिसके कारण वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो चौथा जो फोर्थ नंबर का जो रीजन है वो है टायर नॉट क्लियर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि टायर हमेशा ग्राउंड से को टच नहीं करना चाहिए, तभी क्रेन सेफ रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउटरिगर। आउटरिगर जो उसमें निकलता है टायर माउंटेड क्रेन में, तो उसका प्लेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस तरह का प्लेसमेंट करना गलत है, इस तरह का प्लेसमेंट करना गलत है। यहाँ पे फुल है जो बैटन यहाँ पे होना चाहिए, ये एरिया भी पूरा फुल होना चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से है जो उसको बैटन पे रख के रखना है तो वो प्रॉपर आउटरिगर होगा। ये जो यहाँ फोटो में देख रहे हैं यह इम्प्रॉपर आउटरिगर रखा हुआ है, तो इसके कारण भी क्रेन की कैपेसिटी पे असर हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सॉफ्ट फुटिंग। सॉफ्ट फुटिंग का मतलब है कि हमने क्रेन को वैसे जगह पे प्लेस किया है जिसका जो ग्राउंड है इम्पैक्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे क्रेन रखने के बाद प्लेस करने के बाद वो धस रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्रेन वन साइड हो गया या कुछ हुआ तो क्रेन का टपल होना यहाँ पे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी क्रेन का प्लेसमेंट हो तो सॉफ्ट ग्राउंड पे सॉफ्ट फुटिंग पे नहीं होना चाहिए, इम्पैक्टेड ग्राउंड होना चाहिए जो धसे नहीं, हार्ड हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि लोड रेडियस क्या होता है। तो लोड रेडियस जो होता है, द लोड रेडियस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ये क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये देखिए एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस है किसके किसके बीच, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो सेंटर ऑफ द रोटेशन क्या है, ये वाला है। तो सेंटर ऑफ द रोटेशन से लेकर के सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द क्रेन, जिसको सेंटर पिन भी बोल सकते हैं, टू द लोड हुक, और लोड हुक यहाँ पे है, इसके इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड रेडियस बोलते हैं। तो ये जानना जरूरी है लोड रेडियस क्या हो जाता है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो रोटेशन ऑफ क्रेन और लोड हुक के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को बोलते हैं। अब और कुछ फैक्टर है जिसपे बात करेंगे जो क्रेन के कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, वो है क्रेन नॉट लेवल।
क्रेन को ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया जिसका भी मैंने सॉफ्ट ग्राउंड से इसका रिलेशन है, अगर ग्राउंड सॉफ्ट है और वहाँ पे हम ऐसे जगह पे कर दिए कि वन साइड क्रेन धस जाता है, या पहले से लैंड ऐसा है जो कि अप डाउन है तो वहाँ पे अगर क्रेन को प्लेस करेंगे तो लेवल में नहीं रहेगा और वहाँ पे क्रेन से एक्टिविटी करने में हो सकता है क्रेन का प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे साइड लोडिंग। तो साइड लोडिंग करने में क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए साइड लोडिंग है। क्रेन की फुल कैपेसिटी तभी होता है जब वो वर्टिकल कंडीशन है, देखिए वर्टिकल कंडीशन है, यहाँ वर्टिकल कंडीशन है, तो इन सब में उसकी कब से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। साइड लोडिंग अगर जैसे ही करेगा तो बूम की कैपेसिटी घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर रेडियस बढ़ जाता है अचानक, यहाँ पे भी उसकी रेडियस अचानक बढ़ जाती है जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा और बूम उस लोड को नहीं ले पाएगा। तो साइड लोडिंग करना खतरनाक है, कई जगह आपने हाइड्रा क्रेन में देखा होगा इस तरह का साइड लोडिंग खींचने के चक्कर में क्रेन हाइड्रा का टपल हो जाता है, इस तरह क्रेन में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड स्विंग रेट। रैपिंग स्विंग रेट का मतलब हुआ कि लोड को लेकर के काफ़ी तेजी से उसको घुमाना, मतलब जिस लोकेशन पे लेके जाना वहाँ पे काफ़ी तेजी के साथ उसको स्विंग करना, वो एक खतरनाक डायरेक्शन है। उस केस में स्विंग करने के टाइम पे वहाँ पे लोड रेडियस अचानक बढ़ जाने के कारण क्रेन की कैपेसिटी आउट हो सकती है और जिसके कारण वहाँ पे क्रेन टपल हो सकता है, तो इस केस में यहाँ पे रैपिड जो स्विंग रेट है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड एक्सलरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ रोड। तो इसका मतलब होता है काफ़ी तेजी से ऊपर लेना या काफ़ी तेजी से लोड को नीचे डाउन करना। ये देखिए काफ़ी तेजी के साथ लोड को ऊपर लेके जाया जा रहा है, एक गलत चीज़ है, इससे करेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरे में देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तेजी के साथ लोड को डाउन कर दिया है, ये भी एक गलत एक्शन है और इसमें क्रेन का एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो ए है जो रैपिड एक्सलेरेशन और डिलेरेशन ऑफ लोड, ए नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे हाई विंड स्पीड। जब विंड की स्पीड काफ़ी होती हो तो उस केस में क्रेन का मूवमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोड हम उठाते हैं उस लोड पर विंड का प्रभाव पड़ता है और लोड का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उस केस में क्रेन का रेडियस घटता और बढ़ता रहता है जो कि खतरनाक है, तो इसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्रेन की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है और उसकी कैपेसिटी क्रेन की कैपेसिटी से आउट हो सकता है और जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।